हमारे ऐसे विचार हैं चीजों के संदर्भ में, विचार बड़ा ढीला सा है, है ना, हमारा ऐसा मत हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, हमारा ऐसा विश्वास हो सकता है कोई, ठीक, ऐसा कुछ भी जिसके साथ हमारा अफेक्शन हो, जुड़ाव हो, जुड़ाव मतलब भावनात्मक जुड़ाव, जब वो हमारा भावनात्मक जुड़ाव में होता है तो पूरे चांस होते हैं, चीजें होती हैं कि वो हमें हमारी आंतरिक उत्तेजना पैदा करें। तो अगर हम वो चीज ना भी कहना चाहें तो भी हमारे एक्सप्रेशन से वो चीजें दिखती हैं। जैसे हमें हल्का गुस्सा लग रहा है, चिढ़ लग रही है, तो ऐसे चीजों के संदर्भ में क्या होता है कि हम नहीं भी कर रहे हैं, चुप हैं, तो भी जो है वो आंतरिक उथल पुथल उस पर होने लगती है, नहीं होता है ना। तो जब ऐसा होने लग रहा है तो पूरे चांस है कि ये व्यवहार में दिखे, मत वगैरह जो चीजें बिहेवियर के साथ, ठीक। तो इस संदर्भ में यहां एक और लिख सकते हो कि ज्यादा जुड़ाव, थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसकी तुलना में ज्यादा जुड़ाव यहां पे भी होता है, डिग्री ऑफ अफेक्शन जो है ज्यादा। जैसे अगर जिस चीज के लिए कुछ बिहेवियर में आने लगे, कुछ आंतरिक उथल पुथल होने लगे, कुछ चांसेस उधर बढ़ जाए इस में, ठीक, वही वाले विचार विश्वास मत जो है वो हमारे क्या है, एटीट्यूड है। ठीक। और अब जो मनोवृत्तियां हैं जो हमारी हैं, वो हमारे लिए हमारे जीवन निर्णयों पर असर डालेंगी। आप जो निर्णय लेने वाले हो, है ना, इंपैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग वो पड़ेगा, उसको पड़ जाएगा ना। और ये जो बना है वो कैसे बना है, सेल्फ भी एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड का ज्यादा बड़ा टर्म है, सेल्फ उसका एक पार्ट हो सकता है, इसलिए हम एटीट्यूड पे ज्यादा लिखते हैं, सेल्फ लिख दिया तो लिख दिया। ठीक, यहां तक समझ में आया, निर्णय पे असर डालेगा, क्या असर डालेगा ये हमको समझ में आ रहा है ना। सिर्फ हमारे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ पब्लिक जिसपे हमें काम करना है, लोग हैं, पब्लिक दो होती है, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एक्सटर्नल मैंने बताया था। और लोग, पब्लिक वर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट कॉमन हो, है ना, ये सारे लोग हैं, ठीक। और मान लो ये जिले के लोग हैं, जिले के लोग हैं, और ये यहां पे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहां पे कहीं होगा, यहां पे डीएम बैठा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसका यही हेड होगा, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकता है, इसके अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये इसको यहां पे ऑर्डर देना है, इंप्लीमेंट करना है, प्लान लगाने हैं, तो कोई योजना का पैसा आ रहा है, यहां से आया पैसा योजना का, ठीक, स्वच्छता अभियान के लिए आया, सड़क बनाने के लिए आया, चीजों के संदर्भ में आया, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, आवास के संदर्भ में आई, उस तरीके से आया। तो अब जब चीजों को इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करें, तो जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि जो ये व्यक्ति है, जो यहां बैठा हुआ व्यक्ति है, इसका और इन दोनों का एटीट्यूड कैसा है, मनोवृत्तियां
कैसी हैं, मतलब चीजों के संदर्भ में वो मत कौन से हैं, वो विश्वास कौन से है जिसके साथ अफेक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके साथ जुड़ाव बहुत ज्यादा है। तो अब मुद्दा ये है कि जब ये इसको इंप्लीमेंट करने गया और इसमें जाति को लेकर के अटैचमेंट है, एटीट्यूड है, तो जब इंप्लीमेंट करेगा तो उन लोगों को फायदा पहुंचा देगा। ठीक, यहां के लोगों में इनको लेकर के नकारात्मक एटीट्यूड है, या आप है ना, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड लगाओ तो उसके साथ लगाओ कि किस संदर्भ में बोल रहे हो। सोच बहुत बड़ा शब्द है, उसमें सब कुछ आ जाता है। इसको लेकर के ये पहले से कि यार तुम अच्छे लोग नहीं हो, करप्ट लोग हो, पैसा खाने के लिए हो, ऐसा हो, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक, तो ये लोग इसके द्वारा, इनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में हिस्सा लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो नहीं लेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और या तो विरोध करेंगे। ठीक, अब चलो, जैसे उड़ीसा में एक जगह एक इंप्लीमेंट होना था, एक है ना बागसाइड उत्खनन का एरिया है, मिनरल वाले जोन है, और सरकार ने कहा कि इसको करना भी है। जब कंपनी जाती है वहां पे काम करने के लिए तो वहां पे जो जनजातियां हैं वो बड़ा उसका विरोध करती हैं, लास्ट में काम रुक जाता है, विरोध बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाता है चीजों के संदर्भ में। तो पहली बात तो ये बड़ा बड़ा मुद्दा है कि विरोध सही है कि गलत, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें सूचनाएं नहीं है पूरी, बिना पूरी इंफॉर्मेशन के, बिना उसके अगर आप ऐसा निर्णय देते हो तो वो गलत है। ठीक, तो आप जब ऐसा कुछ केस आए जिसमें पूरी सूचनाएं ना हो, उसमें जरूर लिख दो कि दी गई सूचनाएं यहाँ पे इस संदर्भ में कम है, ये और होना चाहिए। हाँ, इतनी सूचनाओं के संदर्भ में ये विकल्प निर्मित किए जा सकते हैं, ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो अब एक ये सवाल है कि वो जो लोग हैं, अगर उन्हें मनाना है, उन्हें विकास की धारा में लाना है, या वहां पे सरकार को अपना काम कराना है, तो कैसे कराएं? तो ये समझना पड़ेगा कि उनका ऐसा एटीट्यूड क्यों है, है ना, किन विश्वासों के प्रति उनका अफेक्शन ज्यादा है कि नहीं, और सीखते कैसे हैं एटीट्यूड, और एटीट्यूड में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, वो तरीके कौन कौन से हैं कि नहीं। जब इतने सवालों का उत्तर हम जानेंगे तब शायद हम उसको इंप्लीमेंट कर पाए। जैसे सेंटिनल हैं तो उनके बीच में जब बाहरी गया तो उन्होंने उसको मार दिया, तो बाहरी लोगों के प्रति उनकी जो मनोवृत्ति है वो ऐसी क्यों है, है ना, है ना ऐसा। तो उन सवालों का उत्तर हमको तब मिलेगा, तब उनकी आपको समझ में आए सेंट्रल ने क्यों मार दिया उसको। मार दिया तो सरकार ने कोई कदम उठाया क्या, क्या न्यायपालिका ने कोई वो कर दिया क्या कि हम अमेरिका ने ये कहा कि जो है भारत सरकार से वहां मारा गया है, दोषियों को पकड़ के सजा दे दो। कहीं पढ़ा आपने ऐसा? नहीं पढ़ा ना, तो वो उस दायरे से बाहर कैसे हैं, उन पे वो कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्यों पुलिस जाके अरेस्ट नहीं कर रही है, क्यों नहीं उसको लाके फांसी चढ़ा देते, उम्र कैद दे देते। अजीब सा लग रहा होगा ना कि क्यों दे दें। तो इसी प्रकार से जैसे वो नहीं ठहराए जा सकते हैं, इसी तरीके से कोई व्यक्ति जो
चीज़ों को बहुत नहीं समझता है, वो पिछड़ा हो सकता है, लेकिन आप उसको अनैतिक या गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदमी अपनी संस्कृतियों के बीच में ही पलता बढ़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना। और मैंने जो बताया है, मोरालिटी असली में उस संतुलन का नाम है, उस तार्किकता का नाम है, जिसमें हम ये जान जितना रेशनल हो जाएंगे ठीक क्या है गलत क्या है उसको उतना बढ़िया ही तरीके से हम फैसला ले लेंगे। अपने संबंध में पढ़ने का भी जो प्लान बनाएंगे वो भी एकदम थोड़ा सा ठीक सा बनाएंगे। अगर हम जानते हैं कि ठंड का टाइम है, सुबह उठ के नहीं पढ़ाई हो रही है, तो थोड़ा पढ़ के रात में ही सो जाएं, थोड़ा जल्दी कोशिश कर लें, है ना, सुबह नींद का भी मजा लिया जा सके। हाँ, ऐसा किया जा सकता है और ये बेहतर तरीका भी होगा मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बेहतर तरीका भी होना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो आप तार्किक हैं और बेहतर हैं, ठीक। और अनावश्यक पीड़ाएं नहीं होनी चाहिए, अपनी जो खुद की पहचान है, अपनी जो मनोवृत्तियां हैं, हमने नहीं बना ली जानबूझ के, ऐसा नहीं होता। प्रभाव होते हैं, मस्तिष्क सक्रिय भाव से भले सीखता है लेकिन उस सक्रियता पे बहुत बार हमारा नियंत्रण खुद भी नहीं है, है ना। कब वो कमियां, वो जो समस्याएं थी, वो हमारे जीवन में जो हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हमें नहीं उपलब्ध हुई, वो कब हमारे मन या जो विचारों का हिस्सा हो गई हैं, और वो वैसी मनोवृत्तियां जो हमारी बनी हैं चीजों के संदर्भ में, वो हमें हमारे निर्णय को बार बार प्रभावित करती हैं कि नहीं, होता है ना। अब आप समझ गए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पीता है। तो असल में जिसको अनुभव कह रहे हो, वो असल में वो मनोवृत्तियों का निर्माण है। एक्सपीरियंस से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, इसलिए बहुत बार आदमी को आप समझाते रह जाओ, ऐसा करो वैसा करो, देखो मैंने बोला है ये मत करो, वो मानेगा नहीं। जब धक्का खा के सीख जाएगा तो हो जाएगा। जैसे इस बार हैं, बहुत लोग हैं मेंसूस लिखे, कई लोगों को जैसे शुरू शुरू में बताया मैंने ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो नहीं, कुछ दिन आए बाद में महाज्ञानियों के चक्कर में पड़ जाना है, घूम फिर करके आना है, और जब साफ हो गए, है ना, जब वो महान उत्तर कैसे लगे, जब यूट्यूब से सीख के लिख दिए और साफ हो गए, क्योंकि वो महानता तो संभव ही नहीं है। घर बैठ करके परफेक्शन की बात करना बहुत आसान है, तो अनावश्यक उस परफेक्शन की ओर मत जाओ जो संभव नहीं है, उस स्थिति में तो नहीं संभव है, है ना। वो ऑप्शनल्स के तो उस दौर में हुआ करता था जब 40-50 सवाल को फ्रेम कर लिया है, उसी में से 5 आ जाने होते थे, समझो, है ना। वो 2005-06 उस दौर में जिन्होंने एग्जाम दिए हैं ना, तो मुखर्जी नगर के वृद्ध शिक्षकों की एक समस्या ये भी है, तो उनको यही लगता है कि ऐसे ऐसे प्रस्तुतिकरण, पहले भूमिका लिख दो बाद में उपसंहार लिख दो, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर करो, ऐसे उत्तर लिख दो, हवा लिख दो, ये सब कुछ होता होता नहीं है बेटा, वो कुछ समझ उमझ में नहीं आएगा। तो बस एक तरीका है, बी क्लियर, क्लैरिटी की ओर बढ़ोगे, चीजों को समझोगे, एक एटम में आईएस हो जाओगे। अब उस चीज के लिए जगह ही नहीं है, है ना। तो जो इस तरह का कुछ बनाया बनाया होगा वो करेंगे, वही वाली बात है ना, अनुभव से सीखते हैं, जब धक्का खा जाते हैं तो फिर आते हैं, गलती हो गई से, है ना। तो अब उसका मेरे पास कोई जवाब थोड़ी है, जाओ उस चक्र में अगली बार, है ना, ऐसा ही है ना। तो उस चक्र में नहीं जाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अब ये हालात हैं लोगों के, और क्लास वगैरह तो भूल के भी नहीं छोड़नी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या है, जो थोड़ा बहुत सीखना है ना वो भी नहीं सीख पाओगे, ऐसा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भुक्त भोगी हूं उस चीज का, है ना। लेकिन हम लोग जो तैयारी करते थे, ये जो उस ये जितने यहाँ वृद्ध शिक्षक हैं, जो 50 के जोन में पहुंचे हैं ना, ये हैं जो यहाँ कुछ कोचिंग चला रहे हैं, ये किसी लायक नहीं है ये लोग,
हाँ ये 50 है, मतलब इनकी स्थितियां इतनी बुरी हैं, ये जब एक ऑप्शनल पढ़ाते थे तब भी ये सिलेबस नहीं पढ़ा पाए। जब ये एक ऑप्शनल पढ़ाते थे तब भी मतलब उसका मैटर ही जो है अटेम्प्ट खत्म हो गए, और हर बार ये दावा करते थे इस बार मैं इसकी 3 यूनिट का और मैटर बढ़िया निकाल के देने वाला हूं। कि नहीं, तो जरा उन सब चीजों से बच लेना है ना। यहां तक समझ में आया है एटीट्यूड और चीजों को कैसे डेवलप करना है, इसको कैसे करना है, ये होता क्या है एटीट्यूड। एटीट्यूड को इसीलिए है ना, ये वाला जो होता है इस वाले हिस्से को जैसे कॉग्निशन से जोड़ देते हैं, और अफेक्शन, हल्का अफेक्शन यहां पे भी है, ऐसा नहीं कि संज्ञान कॉग्निशन, ये अफेक्शन हो गया और ये बिहेवियर हो गया व्यवहार वाला, तो इसको ABC मॉडल बोलते हैं। मनोवृत्ति क्या है, ABC अफेक्शन है, संज्ञान में मस्तिष्क चीजों को संज्ञान में लेगा ना, जिस चीज को समझोगे जिसको देखोगे उसी पे तो कुछ अफेक्शन होगा, ठीक। शीमा स्ट्रक्चर, अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश, ये इसका यही स्ट्रक्चर भी है, ये संरचना होगी। इसके साथ क्या होता है, कुछ हमारी मनोवृत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रीयता होती है, सेंट्रलिटी बोलते हैं, जैसे है ना उसके वो गुण हैं, तो क्या होता है वो बाकी के लिए डिसाइडिंग होती है, है ना। जैसे हम किसी चीजों के संदर्भ में, एक हमारे अनुभव ऐसे हैं, या जैसे जाति के संदर्भ में हमारा जो जुड़ाव है, हाँ कि नहीं, पुरुष के संदर्भ में हो गया, जैसे सामान्य रूप से महिलाओं के संदर्भ में पुरुषों के मन में कैसी मनोवृत्ति है, इन्हीं जो हमारी धारणाएं हैं जिनसे हमारा जुड़ाव होता है उसके आधार पे क्या है कि हम एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक दिमाग में फ्रेमवर्क बनाते हैं कि नहीं। और जनरली क्या करते हैं, उन्हीं चीजों का आरोपण भी कर देते हैं व्यक्ति के संदर्भ में, कि नहीं होता ऐसा, एट्रिब्यूशन होता है। एक चीज को शीमा बोलते हैं, SCHEMA, मैंने बताया था उस दिन, ये क्या है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक रेफरेंस है, एक खाका है, जैसे हमने बना दिया है फलाना क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं, फलाना जाति के लोग ऐसे होते हैं, हाँ फलाना धर्म के लोग ऐसे होते हैं, बना दिया। अब एक आदमी आया, ये सब ये चालाक होते हैं, ये धूर्त होते हैं, ये बदमाश होते हैं, ये बना रखा है पहले से। अब एक आदमी आया बेचारा, फलाने एरिया का है, फलानी जाति का और फलानी धर्म का, तीनों मैच हो गया। अब तो इसके बारे में जो डिजाइन होना है दिमाग में, ये कैसा होगा, दोस्ती करोगे उसके साथ, निकल लोगे पतली उस भागो यहां से, गड़बड़ है ना ये। तो ये क्या थी, ये मनोवृत्तियां थी और ये इसके संदर्भ में हो गया, ठीक। इस तरह की चीजों को जब ऐसे सीमा हम डिजाइन करते हैं, और व्यक्ति को किसी खास वर्ग या जब हम वर्ग से संबंधित होते हैं, समूह के आधार पर इस तरह का विचार रख लेते हैं, ऐसा रखते हैं, तो हम उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं, रूढ़िवादी टाइप, है ना। अब रूढ़िवाद क्या है, समझ में आया, हाँ? मैंने कहा नहीं कहा, हाँ बोलो, तो यही तो पूर्वाग्रह हो गया, ये टाइप ऑफ अभी पढ़ेंगे आगे,
पूर्वाग्रह ही तो है, ये पूर्व आग्रह ही तो है कि उस क्षेत्र का आदमी है। पहले से ऐसी मनोवृत्ति होना कि वो बेकार होते हैं, इस धर्म के लोग, इस जाति के लोग, इस क्षेत्र के लोग, और जो व्यक्ति मिला वो तीनों गुण है उसमें, उस क्षेत्र का है, उस जात का है, उस धर्म का है, तो जो दिमाग में बना वो वैसा हो गया, तो आपने उसे उस वर्ग से संबंधित कर दिया कि नहीं। बहुत सारे हम गुणों का आरोपण कर देते हैं व्यक्ति के ऊपर, कि नहीं। कि नहीं, आप बताओ करते हो कि नहीं। जैसे मैं बोलूं ब्राह्मण, जैसे बोलूं छत्री, जैसे बोलूं यादव, जैसे बोलूं पटेल, हाँ। अब चूंकि आप हो सकता है इस्लाम को पूरा ना जानते हो, अगर जानते हो तो मैं बोलूं मुस्लिम, मैं बोलूं हिंदू, मैं बोलूं क्रिश्चियन। आप ध्यान से देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो उसमें इस तरह के तत्व हैं कि नहीं है, है ना, इसका है ना ऐसा तत्व, ये स्टीरियोटाइप है। तो बहुत बार क्या होता है, जब जैसे सोच जो लोगों की है वो निश्चित मनोवृत्तियों के संदर्भ में है, अगर व्यक्ति की मनोवृत्तियां, जैसे बोला कि इस क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं, और ये बना हो कि नहीं जरूरी नहीं है, यहां ऐसे होते हैं नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा होता है नहीं जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है बोलना नहीं है मुझसे, ये अगर विचार का हिस्सा है, उस विचार का जिसके साथ जुड़ाव है, अगर उधर बन जाता है तब जो निर्णय होने वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक, तब वाला सही हो जाएगा। इन मनोवृत्तियों का निर्माण हम कैसे करते हैं, हाँ, एक्सपीरियंस है, सीखते हैं, थ्रू एसोसिएशन है, जैसे जिनके साथ रहते हैं उनके साथ मॉडलिंग वगैरह भी होती है, कभी कभी हम देख के सीख जाते हैं, कोई पता लगा नहीं पढ़ा है पिटा है, घर में ऐसा, तो देख के भी सीख जाते हैं, तो उससे भी होता है, फिर उस चीज के साथ जुड़ाव हो जाता है। अक्सर जैसे मैंने ये देखा है कि जो देखो अभी ये है, इसमें मैंने क्या देखा, वो साइकोलॉजी के जोन में है अभी, जो डर उत्पन्न करने वाली सूचना होती है, हाँ, या कुछ जो देखे प्रैक्टिकली, पता लगा तीन भाई बहन हैं, एक नहीं पढ़ रहा था, पिताजी आ गए, पुराने जब पुराने टाइम में पिताजी ने अपने सारे तनाव निकाल दिए उन्हीं पे तो उसके बाद बाकी जो दो हैं हो जाता है ना ऐसा, वैसा हम डेवलप कर लेते हैं। पिता के संदर्भ में भी हम ऐसी ही तो छवि निर्माण करते हैं, एट्रीब्यूशन करते हैं, माँ के संदर्भ में वैसे ही तो कर लेते हैं, महिला के संदर्भ में वैसे ही तो करते हैं कि नहीं। महिला संकोची है, सीधी है, कम दिमाग की थोड़ा है, ज्यादा बोलने वाली है, प्रपंच करने वाली है, जो एट्रीब्यूशन है, गुणारोपण है। देखो अब इसमें ये नहीं कि लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, गुस्सा होने की बात नहीं है, जो गुण आरोपित कर रहे हैं, जो यहाँ पे मनोवृत्तियां हैं, उसने जो फ्रेम बनाया हुआ है जिसके आधार पर आप उसको महिला माने, ये ऐसा है ना,
और ये मनोवृत्ति बदलेगी कैसे? ये मनोवृत्ति बदलेगी कैसे? कैसे बदलेगी? हाँ, गलत हो जाए। अब उसके मेथड्स होते हैं, एटीट्यूड चेंज के कैसे फॉर्म होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे उसको, टर्म दे देंगे बाद में, पहले हम एक नॉर्मल सा है। जैसे फेसबुक वगैरह पे जब चीजों के संदर्भ में बातचीत हो रही होती, डिबेट हो रहा होता, तो आप सीखते हो? ये जो मीटू कैंपेन चला, उसने कुछ एटीट्यूड बदला हल्का सा, महिला विरोध कर देगी? हाँ कि नहीं? होता है ना, फर्क पड़ता है ना इस पे। ये जो हार्दिक पांड्या ने कहा उसको लेके जो खूब सारा ऐसा हुआ, तो उसके बाद दिमाग ने लर्न किया ना कि ये बोलना नहीं है, फिर उसकी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वैसा बोलना नहीं है। असल में हार्दिक पांड्या ने जो कहा है ना, वो सोच है वास्तव में, वो हार्दिक पांड्या की सोच नहीं है। आप अगर उसको गलत समझ रहे हैं, जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है संदर्भ गलत, ये सामान्य व्यक्ति पुरुष की सोच है, ये भारत के पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। अब वो सोच खराब है तो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है कि नहीं? और ऐसा नहीं है, वो भारत के अंतर्गत अब जो भी चीज है वो अगर ध्यान से देखोगे तो उसके अन्य कारणों की पड़ताल करोगे, वो भारत की महिलाओं की सोच को भी दर्शा रहा है। अगर उसको ध्यान से देखोगे समझोगे, जो महिलाओं की खुद के बारे में धारणा है उसमें सक्षमता है ही नहीं है कि नहीं? और जब सक्षमता नहीं है, आत्मनिर्भरता का भाव नहीं है, खुद को कर गुजरने का मादा नहीं है, तो उसको लेके जो मनोवृत्तियां का निर्माण है वो दूसरी है कि नहीं है? तो जब पैसा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं, तो बिहेवियर पैटर्न और है चीजों के संदर्भ में। पांडा उसी चीज को कह रहा है, पांडा है, पांडा क्या नाम है उसका, पांडे है, पांडा बहुत पांडा ही है, पांडे आ गया नहीं। अब बहुत टाइम में क्रिकेट बहुत कम देखता हूं, तो मेरी जानकारी उसमें कम है। आप भी, आपके साथ भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ समय के अब धीरे धीरे कम हो रहा होगा क्रिकेट, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। अब बस बहस का मुद्दा रह गया होगा, देखते कम होंगे। हाँ, बहस के लिए रिकॉर्ड भले इकट्ठा कर ले लड़की, अब आप रेगुलर मैच देख करके चीजों में नहीं करते, क्योंकि फोकस बदलते हैं, क्योंकि फोकस बदलता है ना? तो उसको जरा समझना है। और देखो एक और है कि एक इस आयाम को एक और तरीके समझने की कोशिश है कि जो हार्दिक पांड्या ने कहा है वो गलत है, या वो विचार है जो लोगों के दिमाग में है, महिलाओं को लेकर जो धारणाएं हैं वो है, और ये इस पे जो डिबेट है, ये विमर्श, इस तरह की जो बातें आती हैं सामने, जो लोगों के विचार हैं जब वो खुल के सामने आते हैं, तो उस पर एक डिबेट होती है, तो ये बदलता है, इसका एक प्रतिविचार डेवलप होता है और उसी से परिवर्तन होता है। उसी
उसी से परिवर्तन होता है। जब तक आवरण ओढ़े रहेगा पुरुष और जब तक आवरण ओढ़े रहेगी महिला, मकसद कुछ और प्रदर्शन कुछ और, समस्या वहां है ना। तो जब तक ये कचरा सामने आएगा नहीं, तब तक कचरे का कुछ इलाज भी नहीं होगा। तो बंद समाज है, जैसे जैसे ओपन हो रहा है वैसे वैसे ये चीजें होंगी। तो एक ही दृष्टिकोण है देखने का। लेकिन समस्या ये है, ऐसे किसी ने फेसबुक पे लिखा था तो मैंने ये लिख दिया था उस पर एक लाइन। मैं बहुत रेयर केस में कमेंट करता हूँ, लेकिन मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से वो जो है नाराज हो गए। वो महिला है तो मतलब, क्योंकि मैं जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाता था तो काम वाम कर दी थी, मैं देखता था, तो वो कई बार आती आती थी पूछने वूछने मैगजीन में लिखने उखने। तो चीज़ें कारण उसका है कि मैंने कम शब्दों में लिखा, और फिर मुझे इस बात का आभास हुआ कि शायद वो और जो बाकी लोग हैं शायद उस चीज़ को समझ ही ना पाए कि मैं बात किस संदर्भ की कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे लगा मैं डिलीट कर दूं कमेंट, फिर मुझे लगा पढ़ा रहे दो, आज नहीं होगा 10 साल बाद जब समझ में आएगा कभी तो लगेगा कि कौन क्या लिख रहा था कि नहीं। बहुत बार जो है, जैसे बहुत बार मन करता है फेसबुक पर आपको कुछ लिखने का मन करता है कि आज लिख दें जब तक होता है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जो लिखूंगा पता नहीं समझ ही ना पाए तो हाँ पता लगा आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा है और जहां आपको डेवलप करना है अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ ही नहीं पड़ेगा, गाली वाली बनने लगी तो इससे बड़ी क्यों? क्योंकि स्थितियां तो बड़ी नाजुक हैं भारत में ना। युवा सेल्फ उसका संगठित है नहीं, व्यक्तित्व उसका संगठित है नहीं, और जो ये अक्षम व्यक्ति है वो क्या करेगा ना? कोई एक काम सीख के रिपीट करे तो स्किल डेवलप हो जाए, वो है नहीं तो फिर बोल देता है प्रधानमंत्री की समोसा तलो पकौड़े बेचो बेहतर है, आसानी से सीख जाते हैं उसको, ब्रेड लगाया खट से रख दिया, लोग नाराज हो जाते हैं, है ना। तो वो कारण इसका ये है कि वो कहीं ना कहीं वो मन में वो है, वो उस चीज को हर आदमी समझ रहा है। ये जाएंगे कहां करेंगे कहां, करना वही है, बेचना पकौड़ा ही है, और लिख लो इस मुल्क का 50% युवा पकौड़ा ना बेचे अगले 4 साल में जो कहो। हाँ जो हालात दिख रहे हैं, हाँ पकौड़ा नहीं बेचे कुछ और बेचेगा, हाँ नहीं चाय नहीं बेचेगा कोई और दुकान खोल लेगा, खोलना उसको दुकान ही है। मैक्सिमम जो उसकी रेज है, जो तो ज्यादा पैसा आएगा तो सीमेंट बेचेगा, और थोड़ा और कम पैसा रहा तो सुंदरता उंदरता के सामान बेचेगा, क्रीम पाउडर बेचेगा, और कम पैसा आया तो चाय पकौड़ा बेचेगा। तो जो पूंजी है उसी हिसाब से वो चीजों को करने जा रहा है, क्योंकि इसमें कम स्किल की जरूरत है ना। और जिस एजुकेशन से हमने पैदा किया है और जो बाकी हो रहा है उसके परिणाम कुछ तो भुगतेंगे ना, और ये पीढ़ी भुगतने जा रही है। ये पीढ़ी उस चीज को भुगतने जा रही है। हम भी ट्रांजिशन में थे लेकिन हमने जो भुगता है वो दूसरे स्टैंडर्ड पे भुगता है, लेकिन ये जो पीढ़ी भुगतने जा रही है ये पीड़ा वाला है, इसमें ज्यादा पेन है, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उस संदर्भ को समझना है, शिक्षा को सही तरीके से गेन करना है, और जब चीजों को समझोगे तो जो नौकरी चाहोगे नौकरी मिल जाएगी और आगे भी बढ़ जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे अगर ट्रू एजुकेशन है तो। बाकी समस्या एक और बहुत बड़ी बात है कि भारत जो है सिर्फ उपभोक्ता होता जा रहा है, उत्पादक भारत जो है वो गायब सा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या कारण है उसके पीछे कि अब 2-3 तरह के संदर्भ हैं। एक संदर्भ यह है कि जो हमारा खुद का शिक्षा है उसमें अंदर का दोष है। दूसरा यह है, एक विचार संदर्भ यह भी हो सकता है कि यूरोप को अमेरिका को कंज्यूमर्स चाहिए, कंज्यूमर मार्केट चाहिए, और
थ्रू वो एजुकेशन है, वो एडवर्टीजमेंट है, वो पैटर्न है, तो वैसा व्यवहार, वैसी चीजें, वैसे के थ्रू एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उसको परसुएशन बोलते हैं, हम समझेंगे चीजों को। कि नहीं, भारत की एक और समस्या क्या है कि बौद्धिक विमर्श का स्तर वहां पे है नहीं जहां पे होना चाहिए। हाँ, किसी भी विषय के संदर्भ में नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का अभाव सा है, जो ठीक ठीक से लोग हैं वो विदेश भाग गए हैं, और जो विदेश भाग गए उनको भारत का अनुभव बचा नहीं उनके पास, तो उनके पास जो प्रैक्टिकल है बड़े अजीब से हैं। तो भारत के संदर्भ में जो सुझाव है वो बड़ा खतरनाक सा है। मतलब ये नहीं कि निराशा में नहीं जाना है, निराश नहीं होना है, पीड़ा बाकियों के लिए है ना जो नहीं उपलब्ध है यहाँ, जब आप समझोगे ही नहीं तो उसके लिए है, तो क्या करें उसके लिए। और भारत का युवा ऐसा है कि अगर अभी इसको हम स्लो स्लो पढ़ा के सारा यूट्यूब पे डाल भी दूं, सारा हम समझा के डाल दें, तो सुनेगा नहीं इसको। अब ये कैसे हो रहा है कि कौन कौन से इस पे कारक हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं, वो ठीक है वो म्यूजिकली देख लेगा, वो बिलियन में देख लेगा वो, हाँ, लेकिन इस संदर्भ में नहीं आएगा। अब वो क्यों ऐसा है, कैसे ऐसा हो गया है, वो कारण क्या है, उसकी मनोवृत्तियां ऐसी क्यों हैं, ये बहुत गहन पड़ताल के विषय हैं, इस संदर्भ में सोचना चाहिए उस क्या। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको जो खुद से भरोसा खोता जा रहा है, क्योंकि जैसे 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 वो आता है बाहर ना, वैसे वो देखता है कि प्रतियोगिता का स्तर बढ़ा हुआ है, तो बड़ी हुई प्रतियोगिता के स्तर में खुद के साथ फाइट कर पाना जो है वो उसको दिक्कत होने लगती है, तो एस्केपिस्ट होता जा रहा है, मैं ये वाला काम करूंगा। ये एक पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, दरअसल मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, जैसे मैं बताऊं, मुझसे आके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं, और अगर आपने कभी पूछा हो तो उस पर गुस्सा नहीं होना है कि मैं सर ये चाह रही हूँ कि जैसे इस साल का पेपर ना दे करके मैं खूब आराम से पहले इसको मेंस के लेवल का प्रिपेयर करूँ, और नेक्स्ट ईयर इसको प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट में इसे क्रैक कर दूँ। ये जो क्रैक करने का मेथड है, ये असल में आपके व्यक्तित्व की असंगठित पर्सनैलिटी को बता रहा है। आप स्केपिस्ट होते जा रहे हो, भाग रहे हो आप, कुछ नहीं है ये सब, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है ये, 5 साल नहीं पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, है ना, 6-8 महीने सफिशियंट है पीटी के लिए, 4 महीने बीच में गैप मिलता है, उतने में ठीक है, नहीं होगा देखा जाएगा यार, मेंस में फेल करो ना, पहले पीटी निकाल के दिखाओ। और मैं कह रहा हूं जितना तुम 4 महीना मेंस लिखो मैं बताऊंगा, तुम फेल कर जाना तो बताना मुझको, है ना। हाँ, मैं जीएस और एससी के मार्क्स के लिए रिटर्न दे दूंगा तुमको, इतना आएगा, हाँ ऑप्शनल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा वाला तो पढ़ोगे नहीं, जरूरी है नहीं, अब दूसरे पे गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, अपने अपने विषय में अपने, भाई वो मेरा एरिया नहीं है ना। अब मैं आपको भूगोल, इतिहास या दर्शन में क्या बता पाऊंगा यार, मेरी लिमिटेशन है वहां पे, है ना, तो वो अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो भारत की जो समस्या है उसके संदर्भ में इसको जरा समझिएगा, इस स्टीरियोटाइप को समझिएगा, इस एटीट्यूड को समझिएगा, है ना कि नहीं, और उसके कारणों को समझने की कोशिश करिएगा, उस मेंटल फ्रेमवर्क को समझिएगा, उस सीमा को समझिएगा, है ना, और जो फेसबुक पे बार दिख रही है उसको समझिएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस हिस्से को भी तो उसमें लिख सकते थे, जैसे एटीट्यूड को समझा, थोड़ा सा ही समझा, महान व्यक्ति वो होता है जो अवसर की चिंता नहीं करता है, वो
कम अवसरों की बात नहीं करता, ऐसा था ना वो थी। तो उपर्युक्त वाक्य उस प्रकार की मनोवृत्ति की बात करता है कि नहीं, और उसमें हम सीमा भी तो लगा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, मेंटल दिखा सकते हैं ना कि उसके अंदर बहुत सारी मनोवृत्तियां हैं, तार्किकता है। ठीक, तार्किकता क्या होती है? हम बोलते हैं कार्य कारण संबंध है ना, चीजों के रीजन के संदर्भ में होता है ऐसे करके। आप जानते हो जैसे हमने वही कहा ना जिसको आप तार्किकता कह रहे थे, जैसे उस जैसे आपको बताया ये स्टीरियोटाइप है, वैसे अचानक आपके सोचने का तरीका बदला, जो चीजों के संदर्भ में सोच रहे हो जो डिसाइड कर रहे हो वो बदलेगा, तो आप तार्किक हो गए कि नहीं। इसलिए जितनी चीजों को पढ़ के आप व्यवहार में जोड़ते जाओगे उतना ही आप चीजों के संदर्भ में बेहतर लिखते जाओगे, बेहतर सोचते जाओगे, बेहतर समझते जाओगे। ठीक, एक मिनट हो जाओ, इसलिए मैं चाह रहा हूं ना मैं उस फ्रेम पे पढ़ाऊं जिसमें कल आपको नोट्स मिल जाएगा, वो वाला अगर आगे अगर प्रिंटेड मिल जाएगा तो उसी फ्रेम पे बढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा अब नोट्स को समझाने में आसानी होगी। अब पार्ट वन समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, काम भर को पढ़ के देखो उसको, है ना, जो बुक मिलेगी उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, कम होगा वो, ज्यादा है उस वाले में, तो उसको पढ़ना है, फिर हम उसको ब्रेक करना सीखेंगे, और कुछ चीजों को जो नोट्स में लिखा है उससे बेहतर हम ब्रेक कर लेंगे, है ना, एथिक्स वाले क्वेश्चन को लेकर के करेंगे। है ना, कुछ पॉइंट्स को ऐसे ना, जैसे है एक तो पहले हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि एटीट्यूड के अंतर्गत, जैसे ये समझ लेते हैं कि कुछ हमारे केंद्रीय भाव के होते हैं, कुछ में बैलेंस कर्षण शक्ति ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा खींचते हैं विचारों को अपनी ओर खींचते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं जैसे एटीट्यूड की स्केल होती है, ऐसे स्केल होती है, बहुत लोगों ने इसको मापा, ये तो झंडा हुआ जा रहा ऐसे, है ना, बराबर नहीं है ना, ये बनेगा भी नहीं है, तो ऐसे जैसे है तो देखा ना आपने, ऐसे ऐसे दो दो चार एक, ऐसे 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 हो गया। ऐसे ये हमने देखा स्केल, ठीक है ना, अब हमने कह दिया कि चीज के संदर्भ में इधर ये हमने कह दिया न्यूट्रल है, जीरो रख लिया, ऐसा रख लिया, और इधर हमने कहा कि चीजों के संदर्भ में नकारात्मक मनोवृत्ति है ना, और इधर सकारात्मक, मतलब हो गया कि हम जो चाहते हैं इस चीज के संदर्भ में ऐसा सोचा जाना चाहिए, इस प्रकार की मनोवृत्ति होनी चाहिए, तो एटीट्यूड के संदर्भ में हो गया। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, कुछ लोगों की यहां पे है, कुछ की यहां पे है, कुछ की उधर है, कुछ की उधर है, तो हम वो क्वेश्चन आयर दे सकते हैं, सवाल पूछते हैं प्रश्नावलियों के संदर्भ में, है ना, सर्वे वगैरह करते हैं, उस तरीके से हम चीजों को जान पाते हैं। ठीक, ये कई सारे हैं, लिकर्ट का है और बुगार्डस का है, मनोवृत्ति मानने के पैमाना किया, तो उन्होंने जैसे बुगार्डस ने क्या किया कि कई लोगों ने अलग अलग लोगों ने खूब सारे ऐसे स्केलें बनी हुई हैं कि कैसे वो मापे चीजों में, तो जैसे जापानी जो है अमेरिका में, जैसे आपसे क्या हुआ, जैसे मान लो भारत में पाकिस्तानियों के प्रति हमको मनोवृत्ति को जांचना हो, तो ऐसे आप पूछेंगे कि क्या पाकिस्तानी व्यक्ति से जो है आपका कोई मतलब आपको लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो क्या बोलोगे, जैसे पाकिस्तानी व्यक्ति आपसे मिलता है तो उसके प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी है, हाँ
नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक होगी, सकारात्मक होगी, ऐसा है। हमें ऐसा लगा ये सकारात्मक है, मेजर मतलब 95% ऐसे लग रहा है, एक आध लोगों का आपको लग रहा है। अब हाँ हम बात कर रहा हूँ, अब मैंने इसी में एक लाइन और जोड़ा, ये पाकिस्तानी व्यक्ति है और ये इसको यहाँ कहीं रहने का नहीं, इसके पास पैसे नहीं है, एक दो दिन ही आपके घर पे रहना चाहता है। अब जब आपको घर पे रुकने की बात आई तो अब आपका असली एटीट्यूड उसके सामने आया। अभी मैं उसकी जगह एक जापानी होता और मैं कहता ये जापान का है, वो बेचारा परेशान होता और वो कहता है एक दिन रुकने के लिए, ठीक हो? तो असल में आप अब तक जो समझ रहे थे, अब आप समझो कि आप कहां पे हो स्केल में। चीन वाला होता तो अमेरिका वाला होता, ब्रिटेन वाला, रूस वाला, रसिया वाला होता, जर्मनी वाला है ना। हमारी ब्रिटेन के प्रति, चाइना के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, हमारा जो है ये इधर है ना, और उसमें भी डिग्री अलग अलग है ना। जैसे पाकिस्तानी वाले को हम एकदम साहस आती है, रुकोगे कहीं ऐसा ना कर पुलिस वुलिस बम बम फोड़ रहा हो कहीं। ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एक एट्रीब्यूशन हो गया, छवि निर्माण हमने कर लिया, भले ही थिंकिंग स्टीरियोटाइप है लेकिन ये हमारी मनोवृत्ति है उस पर। चीन वाले के संदर्भ में हम थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पाकिस्तानी वाले की तुलना में कम, और ब्रिटेन वाले की तुलना में, ब्रिटिश में, अब चीन वाले से ज्यादा की कम ये आप बताइएगा, अपना अपना मैटर है ना। लेकिन जब रसिया वाली बात आई तो है ना पॉजिटिव थोड़ा सा लिया। क्यों क्यों लिया? क्योंकि वो ऐसा जो है वो हमने किताबों में पढ़ा है, ज्ञान में पढ़ा है, अलग अलग विश्व इतिहास भी पढ़ा, चीजें पढ़ी, और कि नहीं जब 71 की लड़ाई में हाँ जब बांग्लादेश को है ना, तो वो 9-10 दिसंबर का है, वो पीएन अक्सर वगैरह हैं उनके, और इंदिरा गांधी उनको भेजती हैं कि जाओ वो सपोर्ट लो, तो अमेरिका से बात करते हैं तो वहां से नहीं होता है, दूसरी जगह से करते हैं, तो वो नहीं, ऊपर से दबाव वाला आ जाता है कि आप मत करो, मुश्किल से 2-3 दिन का है, तो ये भेजती हैं एक रसिया अपना दूत उनसे बात करने के लिए, और इधर जो है आर्मी को ऑर्डर दे देती हैं, क्योंकि वो माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, वो आर्मी रोक रही थी लेकिन बांग्लादेशी बार बार घुसे चले आ रहे थे, उसको लेकर के प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी, तो दे दिया इन्होंने, और मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर का मैटर है, उतने में ही ऑपरेशन पूरा हुआ है, जब तक वहां से चीजें मूव हुई हैं तब तक हो गया है। तो जब वो पढ़ोगे, कैथरीन की बुक है इंदिरा, उसमें पढ़ो, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो इंदिरा जी का एक इंटरव्यू भी है, मैं आपको भेजूंगा, उस पर है, पढ़े हुए हैं काफी सारे, बहुत लोगों के इंटरव्यू वगैरह हैं, तो जब इंदिरा जी का इंटरव्यू आप सुनोगे ना, हम यहां सुनेंगे चीजों में, तब हमारा एटीट्यूड बदलेगा, है ना, क्योंकि हम सूचनाओं के प्रभाव में सीखते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है वो सीखते हैं, तो हमें समझ में आएगा कैसा उन्होंने काम किया, क्या किया, कैसी थी वो, क्या था, ऐसे करके। आपको पता है जो 62 वाली लड़ाई है, जो चाइना के साथ थी, उसमें रसिया ने चाइना का साथ दिया था और अमेरिका भारत के साथ खड़ा था, पता है? ये नहीं पता है ना, वो अमेरिकन प्रेशर था जिसपे चाइना रुका है लास्ट में आकर के, जब उसने ये बोल दिया है उसने कि जो है अब मैं इंटर करूंगा, तब जो है वो मैटर दूसरे लेवल पे जाना शुरू हुआ। ये सूचना मिली, अब बताओ अमेरिकन आता तो आपके घर बदला ना, ठीक? अब रशियन वाले को थोड़ा सा उतना अटैचमेंट नहीं रहा
जितनी मोहब्बत थी मोहब्बत कम हो गई हाँ केजीबी की, तो इसमें कौन सा ये वाली बात है, तो स्ट्रक्चर होता है सब जगह का। आप कल आईपीएस रहो, कुछ दिन सीबीआई में काम करो, रिजाइन करके चुनाव लड़ो, बाद में प्रधानमंत्री बन जाओ, तो इसका मतलब थोड़ी तो। ये चक्कर में पड़ना मत, कुछ लोग धोखा खा जाते हैं आजकल नया ट्रेंड आया है, कई सारे दिख रहे हैं है ना, कोचिंग पढ़ाने लगे, पता लगे तो कोचिंग की कितनी इज्जत होती है इसीलिए कोचिंग वालों संबंध रखे रहो बढ़िया से कभी रिजाइन करके चुनाव लड़े हार गए ना, तो काम हम ही आएंगे बेटा तुम्हारा ये हुआ है, ये समझ में आया एटीट्यूड क्या है, कैसे बनता है, प्रैक्टिकली दिख रहा है ना ठीक। जिसके साथ रहते हैं उससे भी सीखते हैं, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन है। जिसके साथ रहते रहते हैं सीख जाते हैं कि नहीं, सीखते हैं ना, किसी किसी से ज्यादा सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, बहुत सारी चीज सीखते हैं। तुम तो ना करो, नहाना सीखे अब मुझसे एक ही जरूर सीखा, नाखून ना काटना बाल ना कटवाना, अब इधर मैं कटवा लिया हूं यार, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं यार कुछ दिन से बाल से याद आया कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ठंड में झड़ते हैं डैंड्रफ ना अरे यार इतने साल से मैं दिल्ली में हूँ यार, आज तक नहीं प्रॉब्लम था, अभी प्रॉब्लम नहाना छोड़ दो अरे इतनी इतनी होगा, मैं तो सुबह गंगा इतना गिरे ना, मैं टेंशन में गया, मुझे लगा कि 15 दिन की 20 दिन उतने दिन में दिख जाएगा अब मैं पहले 5-6 दिन वेट कर लेता हूँ, हो सकता है कि जैसे ना पत्ती वत्ती झड़ रही हूँ, हो सकता है मेरा कुछ जेनेटिक वो हो, मैंने ध्यान ना दिया हो कभी झड़ता वगैरह हो, ऐसा होता है ना। दूसरा है जैसे एक है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन है ना, और दूसरा है पुरस्कृत और दंडित होने से सीखना, वो हम समझ चुके हैं, जब भाई को पिटते देखा तो पढ़ लिए है ना। मॉडलिंग के थ्रू है, दूसरे के व्यवहार वही वाला बात है, ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजों के साथ, थ्रू मॉडलिंग हो गया। हम इन टर्म्स को समझेंगे, ये हमको कुछ याद करने पड़ेंगे ठीक। उसके बाद है सांस्कृतिक कारक समूह या सांस्कृतिक मानकों द्वारा अभिव्यक्ति का अधिगम करना। असल में हम तीनों चीजों के संदर्भ में जब हम समूह के अंतर्गत सीखते हैं ना, तो तीनों काम कर रहा होता है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको कैसे सीखा बच्चे ने, तो जिसके साथ रह रहा है उससे भी सीखा कि नहीं, और जिसने पता लगा वो पूजा की उसको कहे वेरी गुड बेटा कि नहीं। और इतनी बड़ी समस्या है, वो छोटे छोटे बच्चे हो तो उनको मंत्र सिखा देते, एक तो स्कूल भी माशाअल्लाह ही है, भगवान मालिक इन सबका। हाँ ये 3 साल का बच्चा जाता है जो स्कूल में और लौटता है तो ओम भूल भूल, तो मतलब क्या है मतलब क्या हालात हैं। और उसको जैसे उसने बोला ना हाँ या ओम या कुरान की अगर उसको रट लिया, आयत वायत एकाद बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो छाती फूल जाती है, पता नहीं क्या ज्ञान दिवे पता नहीं क्या उसको सिखा रहे एक और पागल पैदा कर रहे, इतने सारे हम लोग भरे पड़े वैसे एक और ले जे महाधार्मिक व्यक्ति एक और पैदा होगा
हाँ वो डरता रहेगा हमेशा, हे भगवान कि नहीं। आप जानते हो भगवान से क्यों डरते? क्योंकि आपको आपको भगवान की अच्छा करने की ताकत पर भरोसा नहीं है आपको लगता है कि बुरा कर देंगे। मंगलवार को अंडा खाते हैं हनुमान जी ही गधे से पीट देंगे आपको हाँ और क्या है, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है उसका, नहीं तो अच्छी वाली ताकत होती भगवान भाई। अगर आपको ये 100% कन्फर्म हो कि उनसे रिश्ता माँ बाप का है, वही सब कुछ है, तो फिर आपको खाने पीने में डर नहीं लगेगा ना। कभी कभी ऐसा हुआ है कि अंडा खाया तो पिताजी ने चमड़ी उकेल दी, ऐसा तो नहीं हुआ ना? खाने को लेकर किसी ने कभी नहीं मारा होगा इतना, तो अगर मारा आप तो यार खाने तो यार कि नहीं। अगर और भगवान खाली इसीलिए ये करोगे तो पीटेंगे। जानते हो इस्लाम और हिंदुज्म का एक बड़ा डिफरेंस है, देखो लॉन्ग टर्म में डिफरेंसेस कहां से आते हैं, उसको अदर सेंस में नहीं लेंगे, चीजें नहीं लेंगे। जैसे तो रिजिड कैसे हो जाते हैं धर्म और चीजों में, जैसे ये हिंदू की फिलॉसफी पहले की है थोड़ा सा, जो हमने देखा था वो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन जो था ना, पहले तो कोई धर्म नहीं था, कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे लोगों ने बनाया, आता चला गया। तो इसमें पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म वाला ना वो थोड़ा बढ़िया देता है, मैंने बताया था आपको है ना। मैं मगाधीरा मूवी देख रहा था तो उसमें वो एक जन्म होता है वो होता है तो वो अच्छा लगता है थोड़ा सा। या जो हमको वो पिक्चर एक आती थी वो समा था वो था, वो बाद में उसी पे दोबारा पिक्चर बनी ना, हिमेश रेशमिया ने बनाई थी उसी पे, कर्म वाली मूवी नहीं थी, उसका म्यूजिक है कर्ज ना, वो खूब चलता है टिंग डी डिंग टिंग ऐसे, वो म्यूजिक खूब अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अगला जन्म है पिछला जन्म है ये है वो है। तो जो हिंदू फिलॉसफी है ना थोड़ा लिबरल था, मतलब ये लगता है इस बार ना पाए अगले जन्म में हो जाएगा तो वो पैदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा है ना। और जब आप उसमें साइकिल में हो, इच्छाएं बची रह जाती हैं तो पैदा होता है इंसान, जब इच्छाओं से जीत लोगे तो मुक्त हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, वो सब है ठीक है। तो इसमें थोड़ा ना क्या है कि लिबरल आएगी, कुछ गड़बड़ हो गया तो अगले वाले में सही कर लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा रहता है वो। इस्लाम वाले में क्या है ना कि मरे तो बेटा पड़े रहोगे, कयामत के दिन छांटेंगे तुमको। तो अब ये जो समस्या है ना कि तो इस जन्म में अब एक ही बार मिला है और गड़बड़ की है तो हालत गंभीर होगी, तो तुम गड़बड़ नहीं कर सकते हो कुछ, ये रिजिडिटी का डिफरेंसेस है दोनों में है ना। इसलिए वो धर्म जो है वो थोड़ा सा वैसा सिखाता है, और ये वाला चूंकि था पहले ये भी, लेकिन वो तो बुद्ध अलग हो गए है ना, जैन वाले भाग गए, तो जब सब निकलना चालू किए दुनिया भर का वो आया, तो होता ना कि रिफॉर्म होते 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 थोड़ा थोड़ा लिबरल होते होते ये सब चीजें डेवलप हो गई है ना। ऐसा तो इसलिए थोड़ा सा लिबरल हो जाता है चीजें के संदर्भ। तो जब वो है ना, वो धर्म ने भी क्या सिखाया, भगवान ने भी क्या सिखाया कि वो पनिश करेंगे, तो जहां पनिश करने वाला है, दंड है, जहां भय है, जहां वैसा है, वो वाली मनोवृत्तियां मजबूती से सीख ली। तो पहला देख के सीखा, वाह भाई वाह वेरी गुड, और दूसरा पनिश होने के कारण कि नहीं, भय के कारण, और तीसरा यह था कि किसी को देखा, खुद पनिश नहीं भी हुए हैं, बल्कि क्या हुआ कि कोई मंगलवार को अंडा खा के निकला और गिर गया। अब बहुत लोगों ने खाया, कोई नहीं गिरा, लेकिन एक गलती से गिर गया, कहा ना मानो देखो मैं तो पहले कह रहा था, तो देख के सीख लिया, तो थ्रू मॉडलिंग सीख लिया। तो जब पूजा वाले में सीखा ना, जब एटीट्यूड डेवलप किया, तो ये तीनों चीजें उसमें शामिल थी, जो तीन हमने अभी नाम, थ्रू एसोसिएशन था, सहज साचर के द्वारा अधिगम था है ना, और पुरस्कार दंड के द्वारा सीखना था, और तीसरा मॉडलिंग के देख करके सीखना था। तो तीनों चीजें इसमें शामिल थी। तो जब कल्चर से कुछ सीखते हो तो संस्कृत इन तीनों चीजों पे काम करती है ना। इसीलिए जब नैतिकता के संदर्भ की बात होती है तो नैतिकता हमेशा पुरस्कार और दंड के संदर्भ में गिनाती है, और जो नैतिकता पुरस्कार और दंड के लिए होती है, जिसमें वो दोनों रहता है, ऐसा किए तो ये, ऐसा किए तो ये,
उसके संदर्भ में मनोवृत्तियां ज्यादा गहरी होती हैं। होता है ना ऐसा? ठीक, एक एटीट्यूड सीख लिया है, एक वो सेल्फ वाला वो सीख लिया था, एटीट्यूड क्या होता है ये सीख लिया था, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर एबीसी वाला वो सीख लिया है, उसकी कुछ क्वालिटीज है ना, जैसे आकर्षकता है, केंद्रीयता है, वो सीखेंगे, एक दो और नाम देख लेंगे उसमें, उस तरह की चीजें कुछ है, उस पर क्लियर हो गए, उससे कुछ एप्लीकेशन पार्ट हो गए। एटीट्यूड को थोड़ा सा और देखा है कि कैसे वो अफेक्ट करता है चीजों के संदर्भ में, प्रभाव कैसे कर रहा होता है, उसको सीख लिया है। और एटीट्यूड सीखने में तीन ऐसे नियम सीख लिए हैं, साहचर्य सीख लिया है ना, पुरस्कृत दंड होने के कारण सीख लिए हैं, मॉडलिंग सीख लिया है, और संस्कृत के द्वारा सीखने, प्रतिमानों के द्वारा सीखने का, ये चार चीज सीख ली है। इतना फ्रेम है ना, ये है, अभी तो टाइम है ना, हाँ 7:45 हो गया, रुक जाओ दो मिनट यार, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, थोड़ा थोड़ा ही काद है, जैसे सूचना के प्रभाव में है, उससे भी सीखते हैं, रेडियो टीवी इन चीजों के संदर्भ में होते हैं, है ना, लर्निंग का है, उस संदर्भ में सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे जब सूचनाएं कैसे दी जा रही हैं, जैसे आपको वही वाला काम मैंने अभी बताया था आपको, सूचना के प्रभाव में मनोवृत्ति में सीखना, जैसे क्या हुआ, आपको सूचना मिली, पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, आपका जो समझ थी वो थी कि 1971 की जो लड़ाई है उसमें जो है अमेरिका विरोध में था, तो आपकी मनोवृत्ति वैसी थी कि नहीं, और फिर जब आपको मैंने ये वाला बताया तो आपकी मनोवृत्ति कैसे बनी, बदली ना, वो वाला समझ तो एक ये भी हो गया। देखो जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, अभी इन चीजों को सीख लेंगे और फिर हम इनका उपयोग ये सीखेंगे ना कि ये और कुछ और मेथड हैं अभी खूब सारे हैं, फिर हम उनका यूज करेंगे ना, जैसे जब उन लोगों के संदर्भ में, जैसे आपको ये देखना पड़ेगा ना कि इस वाले के अध्ययन में ये जो लोग थे जो विकास का कार्य नहीं होने दे रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक हैं, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, और फिर हम उस वातावरण को जिसमें वो रह रहा है वैसा बदलें तो कैसे होगा, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने देखा खुद की पहचान और मनोवृत्ति का निर्माण साहचर्य दोनों के द्वारा होता है, जहां आप रहते हो सबसे ज्यादा वहीं सीखते हो, जैसे घर परिवार हो गया, स्कूल हो गया, वो हो गया, वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स, एक सेल्फ और एक एटीट्यूड, मनोवृत्ति और स्व दोनों है, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका नाम सुना है आपने, ठीक। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो घरों को जैसे दिया पैसा मिलता है ना घर बनाने के लिए मिला, आप ये बताओ जरा एकदम साफ साफ बताना, जैसे जब जो दलितों के घर हैं जो मिल रहा है जिनको, तो क्या ऐसा बन रहा है कि ये दलित का घर, फिर ये छत्री का, ये यादव जी का, ये ब्राह्मण का, हाँ ये सिख का अगर रह रहा है तो, ये मुस्लिम का, ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा कि ऐसे बन रहे हैं, ये दलित का, 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 ये अगर छत्री के हैं तो, हाँ कैसा पैटर्न है, हाँ नहीं मतलब घरों का समूहन पूछ रहा हूं मैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसके जात के आधार पर बांटा जा रहा है, वो तो गरीब कमजोरों को है, जो घरों का निर्माण हो रहा है उसमें बसावट कैसी है, ये वाली है कि ये वाली है, हाँ हाँ
घर एक जैसे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे एक गांव है उसमें जो दलितों का एरिया होगा वहां दलितों घर पास पास होते हैं, तो जब आवास दिया गया था तो दलित को बाहर निकाल के कहीं बनवाए थे कि उसी घर के अंदर दलितों घर बनवा दिए सारे के, उन्होंने वही बना लिए अपने अपने, वही बन गया ना, जो ऐसे हुआ है ना। अब समस्या ये है, गांव में जातिवाद ज्यादा होता है कि शहर में? क्यों होता है? क्योंकि जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपकी आप, वही वाली मुद्दा है ना, चाहे वो सेल्फ वाला हो, चाहे वो मैं वो सीएच कूले को लगा दो, हाँ, चाहे वो मीट को, जिसको मैंने उसको लगा दो, फ्रायड को लगा दो, जिस थिंकर को यूज करना है वो, तो उसी के हिसाब से सीखते हैं ना, अगल बगल के वातावरण से, चीजों के संदर्भ में। तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस बसावट को ऐसे बसाया जाए तो कुछ जातिवाद कम होगा? अगर आप जहां रह रहे हैं दो घर यादव का हो, दो घर छत्री हो, एक दो घर ब्राह्मण हो, दो मुस्लिम हो, दो ऐसे हो, ऐसे घर हो, इस बसावट में आप रहें, तब ज्यादा कास्टिज्म होगा कि 10 के 10 घर हैं वो दसों यादव के हैं, तब ज्यादा कास्टिज्म। किसमें? पहले वाले में कम होगा ना, दूसरे वाले में ज्यादा होगा ना, क्लियर हो ना? और 8 के 8 घर क्षत्रिय के हैं तो ज्यादा वो दिक्कत करेगा, 8 के 8 घर ब्राह्मण के यहां दिक्कत करेगा, 8 के 8 पटेल के यहां दिक्कत करेगा कि नहीं? तो ये इस योजना के अंतर्गत ये करना चाहिए ना, तो ये फेलियर है ना। जब आप आर्थिक रूप से समर्थन दे रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको नहीं पता कि एसोसिएशन के थ्रू होता है कि नहीं। अब आप महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ये नहीं कह सकते हो कि महिलाएं जब आंगनवाड़ी में आती हैं तो थ्रू एसोसिएशन जब महिलाएं सारी रहेंगी साथ में तो सीखेंगी। SHG भी यही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना है हमको कि नहीं। और रिवॉर्ड और पनिश से, पुरस्कार और दंड से नहीं सीखती। जब किसी घर की कोई लड़की जो है बाहर पढ़ने गई और किसी ने उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, किसी ने उसको छेड़खानी कर दी, किसी ने गलत कर दिया, तो बाकी जो महिलाएं थी उनकी या परिवार वालों की या समाज की जो मनोवृत्ति थी उसके विपरीत नहीं बनेगी? बनेगी ना कि नहीं? तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सुरक्षा जरूरी है ना पहले कि नहीं, तभी मनोवृत्तियां बदलेंगी ना, तभी लोग पढ़ाने को तैयार होंगे ना। बहुत से परिवार वाले इस लड़कियों को इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पता लगता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, तो उनकी एटीट्यूड कैसे हैं, उसमें बदलाव कैसे लाएगा। तो अब जो वीमेन एम्पावरमेंट उधर लिख रहे थे उसमें ये डायमेंशन जुड़ा ना कि नहीं जुड़ा? जब थ्रू मॉडलिंग सीख रहे हैं, अगर उस लड़की अच्छा करे और उसको स्कूल स्तर पर पुरस्कार मिल जाए तो उसका फायदा होगा? हाँ, तो जो लड़की फर्स्ट डिवीजन आती है तो यूपी में उसको साइकिल वाइकिल मिलती थी, पहले ऐसा था अखिलेश यादव के समय में, ऐसा उन्होंने कुछ प्लान वन बनाया था चीजों के संदर्भ में, तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, उसको देख के लोग नहीं बढ़ाएंगे अपनी बच्चियों को, मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं होगा। तो लड़कियों के संदर्भ में ऐसी योजनाएं क्यों नहीं है कि नहीं? MP गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, शिवराज चौहान ने बहुत किया ऐसा, तो उसको देखो उसके कारण महिला शिक्षा और चीजों में, एक साइकिल मिल रही है इंटर में और 11 साल तो और पढ़ी ना लड़की, नाइन्थ में दे दी मान लो, तो 8 तक पढ़ी ना तभी तो नाइन्थ में मिली, तो 8 साल तो और पढ़ी, तो उस चक्कर में एजुकेशन बढ़ी, महिला शिक्षा बढ़ी, हाँ कि नहीं? तो ये जरा समझना पड़ेगा कि जब आप कुछ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसके इम्पैक्ट कैसे पड़ रहे हैं
जब हम उन प्रभावों को समझेंगे तब हम केस अध्ययनों में उस तरह की घटनाओं में उस तरह की निबंध में हर जगह वो सुझाव प्रस्तुत कर पाएंगे, उसके कारणों को बता पाएंगे कि ये हो कैसे रहा है, इसका कारण क्या है, है ना। उस आवास योजना के अंतर्गत ये फेल्योर है, ये मौका था गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्या चीज, अरे गवर्नमेंट के पास बहुत लैंड है यार, ग्राम सभा के पास एक ऑर्डर ही तो देना है गवर्नमेंट को, ग्राम सभा के पास पर्याप्त जमीन है हर गांव में। हाँ कि नहीं है, आपके गांव में नहीं है, उसी के लिए तो बवाल है पट्टे पे। हाँ उसी के लिए तो पूरे भारत में लट चलता है। हाँ हाँ ऐसा नहीं है, अगर आप किसी को जब आवास देने के साथ ये शर्त लगा दोगे कि भाई आपको आवास तब मिलेगा जब आप हम उस बसावट के साथ रहोगे, तो जब आप देखोगे तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो जाके रहेंगे यार, ऐसा कौन सा इतना है? नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आ? क्या चीज, हाँ घर का आकार भले बढ़ा दो। तो भारत के संदर्भ में जातिवाद जो है, जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हुई है, जो समस्याएं हटी होती हैं, तो वो तो करते नहीं है, और उसके राजनीतिक मुद्दे हैं। जनरली भारत में कास्टिज्म अभी खुद भी खत्म है, उसका कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके ध्यान से देखो एक नई प्रवृत्ति है धीरे धीरे, वो है क्या कि जो छोटी छोटी बाजारें थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं तो छोटे छोटे कस्बों का रूप लेने की ओर बढ़ रही हैं, और बहुत सारे गाँव के ऐसे लोग हैं जो अब उन बाजारों के पास अपने घर बना के जिनके पास है वो रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति आप देखो। जो वहां सड़क के आसपास जिनका है ना, और जैसे ये अगले 5 साल में 8 साल में ये प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और जैसे वो संकीर्ण बढ़ेगा वैसे ही जातिवाद ही अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बसावट का बहुत फर्क पड़ता है, और ये प्रवृत्ति आप देख सकते हो। हाँ थोड़ा धीरे है, लेकिन आप अपने यहाँ ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल जरूर खोज सकते हो जो पहले गाँव में रहते थे अब उन्होंने बाजारों में अपने घर बनवा लिए, मिलते हैं ना ऐसे, है ना, तो वो उसका हल मिलेगा। ठीक है कल मिलते हैं, बाकी अब पहले से ठीक हो रहा होगा, है ना, अब जो लिखने वाला होगा अब पहले से, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना यार, अब पता लगा, आदमी ये चाहता है कि डे वन में जो है एकदम सब मिलके चमत्कार हो जाए, अब पता लगा एक दिन में जो आया टीचर को जानने हो तो गया काम से, गया ना, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर कम से कम पढ़ना चाहिए चीजों को। और जैसे अगर कोई बच्चा डेमो में भी लेने कभी आया ना, कोई दोस्त है उसको बोलो यार कम से कम 3 क्लास तो जरूर करो, कहीं पे भी डेमो के संदर्भ में कम से कम 3-3 क्लास जरूर करके कुछ तब तक थीम पता लगती है, 2-3 दिन 4 दिन आते आते, अब पता लगा 2-3 दिन नहीं आए, होता है ना, और हम होते हैं स्टीरियोटाइप। हाँ हाँ होते हैं ना। अब मुझको याद है एक काफी बच्चे हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मुझे याद है वो बहुत पहले उसने क्या किया कि जैसे जनरली होता क्या है कि जो जनरल की एज उम्र होती है ना, जैसे यूपीएससी की पूछता है एज लिमिट कितनी है, तो या तो अब आप तीनों बताओ कि भाई जनरल के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 35 है, ऐसे के लिए 37, दो दो साल बढ़ गए सब, तो या तो आप इस तरीके से बोलो, है ना, इतनी ही है ना, तो और अगर आप ये बता रहे हो कि आयु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, अब इसका लाभ उठाएं,
तो आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो? कोचिंग को आप कास्ट पे ले जा रहे हो ना, कैटेगरी पे ले जा रहे हो ना, और यहाँ जिसके पास एक जन है ज्यादा काफी ठीक है उनका, उन्होंने शुरुआत ऐसे ही की। तो भरना और आसान कितना है? अब अधिकतम सीमा 35 और 37 वर्ष, और मैं बता रहा हूं कि ये चूंकि हम जैसे जो मेरी परवरिश है, जो आपकी परवरिश चीज है, अब इतना पढ़ लिख के अलग बात है, हम कितना भी करके वो कास्ट और चीजें जो है वो हमको पकड़ ही रहती है ना दिमाग के किसी हिस्से के साथ, और पकड़ रहती हैं, और बस इतना ही लिखना है और एक मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा बस यूज करके दो चार चेहरे बढ़ा देने हैं, हाँ, नाम के साथ कास्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, बने चाहे ना बने आईएएस गेम हो जाएगा ना कि नहीं, जैसे चुनाव जीत सकते हैं तो ये कोचिंग है, गड़बड़ हो जाएगी। अब ये बताओ ये नैतिक है किसी कोने से? ये तो गलत है ना। आप इतना पढ़ लिख करके अगर हम उन चीजों को समझ रहे हैं, उन संदर्भों को समझ रहे हैं, यद्यपि अलग है वो हमारी मनोवृत्तियां हैं, और उसमें जो वाली जाति वाली है वो सेंट्रल है, उसमें आकर्षण क्षमता ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं ये गलत है, तो हम कोशिश करें ना कि उसको हटाएं धीरे धीरे। तो एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, बीस बार, पच्चीस बार करते करते फिर हम कास्ट और रिलीजन जैसे गलत चीजों के साथ मुक्त होंगे, तभी तो हो पाएंगे ना इन चीजों के साथ, क्योंकि वो वही है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। अब समझ आ रहा होगी उसका मतलब क्या है, है ना? तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति की जिम्मेदारियां दूसरी हो जाती है ना। अब जिसकी मनोवृत्तियां पहले ही ऐसी हैं, फलाना लोग, फलाने धर्म के लोग हमारे विरोधी हैं, पहला है तो हिंदू मुस्लिम में पहले ही ये समस्या है, पहले ही आपस में विश्वास का भाव टूटा हुआ है, समस्या है ना कि नहीं। अब उसमें फेसबुक पे कुछ लोग सूचनाओं के प्रभाव में अधिगम को और मजबूत कर रहे हैं, जो अब मनोवृत्ति अब तक किनारे थी वो सेंट्रल होती जा रही है, और जब उस मनोवृत्ति से अफेक्शन बढ़ेगा तो व्यवहार में आएगा ना वो, और व्यवहार में कॉलर भले ना पकड़ पाए तो वोट तो पड़ जाएगा। तो कोई जो है उसको जानबूझ के डिजाइन करता है, फेसबुक पे जान की चीजें शो की जाती हैं, जान की चीजें दिखाई जा रही हैं, साइबर सेल के लोग हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, और अक्सर धर्म की चीजों को शेयर करते हैं, वो कौन है कोई नहीं जानता, है ना। तो उस इस तरह के मुद्दों को बार बार करेंगे तो वो वाला पार्ट जो अब तक एटीट्यूड यहां था या सॉरी इधर रहा होगा कहीं, उबल के वहां पहुंच गया, और जब वहां आया ना अफेक्शन ज्यादा हुआ तो वो रिजल्ट दे देगा। अब ऐसे में समाज के पढ़े लिखे लोगों का क्या काम था? जो इस चीज को समझ रहे थे उनकी ड्यूटी क्या है? इसे रोके ना कि नहीं। और कोई असहिष्णुता को लेके कोई पढ़ा लिखा आदमी बयान देता है तो गलत है ना भाई ये। फिर वैसे ही मुल्क परेशान है यार, वैसे ही युवा से परेशान है, वैसे ही इस चीज से परेशान है ये सेमी स्किल्ड लोग, एजुकेशन का लेवल और रद्दी, हाँ, सेल्फ एफिकेसी है ही नहीं, आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही जीरो है, क्लैरिटी है ही नहीं है, वो युवा खुद ही उलझा हुआ है, है ना। और ऐसे में उसकी कंडीशनिंग ऑलरेडी की जा रही है, साइबर सेल कर रहे हैं या कुछ लोग हैं अलग अलग पार्ट कि नहीं। तो कम से कम ऐसे समय में तो एक चीज याद जरूर रखिएगा, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम का जरूर सपोर्ट करिएगा फेसबुक पे, और मुस्लिम हैं तो हिंदू का जरूर करिएगा, क्योंकि
हम चीजों को देख करके भी सीखते हैं तो उसका असर कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिस स्तर पे हम कर सकते हैं उस स्तर पे ही करें, जरूरी नहीं है कि हम मुल्क बदल पाएं, लेकिन अपने स्तर से तो करें ना, है ना। जब वो हिंदू हैं और मुस्लिम उत्पीड़ित होता है तो उसके लिए आवाज जरूर उठाएं। हिंदू के लिए चूक भी जाएंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, याद रख लेना। कारण ये है कि हम ऐसी जगह पे हैं, इस उम्र में हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंट है, युवा वर्ग बहुत ज्यादा है, ऐसे में चीजें बहुत स्ट्रेस्ड हैं, चीजें खिंची हुई हैं, है ना। और स्किल की ओर बढ़ेंगे, अपनी मनोवृत्तियों को समझेंगे, अपने थॉट को ठीक करेंगे, जो मेन चीज है। आंसर अपने आप अच्छा हो जाता है यार, आंसर वंसर बहुत छोटी चीज है। जब आपको आ रहा होता है तो अपने आप, जब अपने ऊपर एक बार लागू करोगे ना तो पेन में हमेशा वो चीज निकलेगी कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक, चलो, थैंक यू।